मॉर्निंग क्लास सेवन। बच्चों आप घर में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस जो है तेजी से फैलता जा रहा है, इसलिए आप लोगों को अपनी भी साफ सफाई रखनी है और अपने आसपास भी साफ रखना है। अपने हाथों को बार बार धोएं और अपने छोटों को भी साफ सफाई के लिए प्रेरित करें। तो चलिए बच्चों, आज हम आपका हिंदी में जो आपका 6th चैप्टर है रक्त और हमारा शरीर वो पढ़ेंगे। जो इससे पहले आपने पढ़ा था 5th लेसन खिलौने वाला, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है रक्त और हमारा शरीर। जैसा कि इस नेम से ही आपको पता चल रहा है कि आज हमको अपने शरीर में जो हमारा यह शरीर है किससे बना हुआ है, रक्त से। हमारे शरीर में क्या है, खून है, ब्लड है, और उसी के द्वारा अगर हमारे शरीर में जो है स्वस्थ रक्त होगा तो उससे हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों इस चैप्टर में जो है अनिल और दिव्या तो भाई बहन है। अनिल की छोटी बहन दिव्या जो है वो जो है कमजोर रहती है, तो एक बार जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि दिव्या के शरीर में क्या है, खून की कमी हो गई है। तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, खून की जांच करनी पड़ेगी, रक्त की जो है जांच करनी पड़ेगी। और डॉक्टर उसे जो है अनिल को के साथ दिव्या को एक दूसरे कमरे में भेजते हैं। वहां पर जो है अनिल के पहचान किए डॉक्टर दीदी होती है, जो दिव्या की जो है उंगली से जो है क्या करती है, छोटी से उंगली से एक पिन से रक्त की कुछ बूंदे लेती है ब्लड की और उसको एक शीशी में डाल देती है ब्लड की बूंद लेने के बाद, और उसके बाद स्लाइड में लगा देती है। और अनिल से दूसरे दिन दिव्या की रिपोर्ट लेने आने को बोलती है। दूसरे दिन जब अनिल दिव्या के ब्लड की रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर दीदी जो है अनिल को बिठाती है और उसे समझाती। अनिल उनसे पूछता है कि यह रक्त की जांच कैसे होती है और खून की कमी शरीर में कैसे होती है। तो जो डॉक्टर दीदी है वो अनिल को क्या करती है, बैठाती है और बोलती है उसके बारे में। क्या कहती है जो डॉक्टर दीदी है, वह कहती है कि दिव्या को क्या हो गया, एनीमिया हो गया। तो एनीमिया हो गया कहती है जब डॉक्टर दीदी, तो अनिल पूछता है कि एनीमिया क्या होता है। तब डॉक्टर दीदी अनिल को समझाती है कि एनीमिया क्या है, रक्त की कमी से, खून की कमी से होने वाला ये रोग है। तो उसके बाद देखिए जो अनिल जो है डॉक्टर दीदी को काम करते हुए देखता है ध्यान से, वो क्या करती है एक स्लाइड पर जो है रक्त की जो दिव्या की दी थी बूंद है उसे जो है स्लाइड पर लगाती है। और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो ये देखिए दिव्या, यहाँ डॉक्टर दीदी को दिखाया गया है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो क्या कर रही है, खून की जांच कर रही है। और अनिल से कहती है कि अनिल आओ तुम्हें भी मैं ये सब दिखाती हूँ। तो उसके बाद जो है ये दिखाती है अनिल को, अनिल क्या देखता है देखो। तो जो आपको इसको इस चैप्टर को ऐसे समझना है कि जो यह एक रक्त की बूंद है छोटी सी, आपने देखा होगा लाल रंग का ब्लड अगर हमारे कहीं पर कट जाता है तो हमको क्या होता है, छोटे जो रक्त की बूंद निकलती है वो किस कलर की होती है, लाल कलर की होती है। लेकिन वो साधारण सा दिखने वाला लाल रक्त जो है वो अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता है। भानुमति के पिटारे यानी कि वह जो साधारण सा दिखने वाला रक्त है वह अपने आप में बहुत सारी खूबियों को समेटे हुए है। तो वो अनिल को जो है डॉक्टर दीदी दिखाती है कि देखो ये क्या। तो सबसे पहले जो है जो रक्त का तरल भाग होता है जिसे हम देखते हैं जैसे रक्त बहता है, तो उस रक्त को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। जो तरल भाग होता है रक्त का उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह होता है जिसमें छोटे 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 बड़े जो है कई तरह के कण होते हैं। एक तो जो तरल भाग होता है रक्त का उसे बोला जाता है प्लाज्मा, और दूसरा भाग जो होता है उसमें छोटे बड़े कण होते हैं कई तरह के, और कुछ उनमें क्या होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं और कुछ रंगहीन होते हैं जिनका कोई भी रंग नहीं होता, उन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण बोला जाता है। ठीक है, एक भाग रक्त का क्या हो गया, तरल भाग जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा भाग जिसमें छोटे बड़े कण होते हैं उनमें कुछ कण होते हैं लाल रंग के
और कुछ होते हैं सफेद रंग के और कुछ होते हैं रंगे बिना रंग के, जिनको बिंबाणु या प्लेटलेट बोला जाता है। ठीक है, तो जो ये कण होते हैं छोटे बड़े जो बहुत सारे कण होते हैं, ये किसमें तैरते रहते हैं? जो तरल वाला भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, उसमें जो है ये छोटे बड़े सारे कण क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और उसके बाद जो है जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने अनिल को दिखाया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि जो ये रक्त के कण है दिखने में तो हमको हमारी आंखों से कैसे दिखते हैं, केवल लाल रंग के दिखते हैं। अब अनिल ने जब देखा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन ब्लड को देखा तो अनिल क्या है आश्चर्य से उछल पड़ा। क्यों उछल पड़ा? क्योंकि उसको क्या दिखा रक्त में, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो यह रक्त की एक छोटी सी साधारण सी बूंद है उसमें क्या है लाखों की संख्या में उसे क्या दिख रहे हैं, छोटे बड़े जो है आपने देखा होगा कई तरह की मिठाइयां खाई होंगी उसमें से एक बालूशाही, बालूशाही की तरह ही जो है वह रक्त के कण उसमें दिखाई दे रहे थे जो क्या थे लाखों की संख्या में होते। जैसे सूक्ष्मदर्शी से अनिल ने देखा तो उसने देखा कि ये जो रक्त के कण है ये क्या है लाखों की संख्या में है और ये क्या कर रहे प्लाज्मा में तैर रहे हैं। अब उसके बाद जो है वो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि यह बालूशाही की तरह जो गोल और अवतल दिख रहे हैं ये रक्त की बूंदें इनकी क्या होती है संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। एक रक्त की बूंद में हमको 40 से 55 लाख इतने सारे उसमें क्या मिलेंगे कण मिलेंगे। इसके कारण ही जो यह रक्त है जो ब्लड है वह किस कलर का दिखाई देता है लाल रंग। इन्हीं रक्त कणों के कारण जो ब्लड है वह लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। तो डॉक्टर दीदी बताती है कि जो हम सांस लेते हैं सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाने का कार्य कौन करता है लाल रक्त कण करते हैं। जो हमारे शरीर में ब्लड में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं वही जो है शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद क्या होता है और जो ये कण होते हैं जो इनका जीवन काल जो है 4 से 5 महीने का होता है। ये जो लाल रक्त कण हमारे शरीर में होते हैं 4 से 5 महीने रहते हैं और धीरे धीरे थोड़े आग थोड़े कण इस तरह से ये क्या होते हैं नष्ट होते जाते हैं। लेकिन उनकी जगह पर जो लाल रक्त कण धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं उनकी जगह पर नए रक्त कण बनते जाते हैं, एकदम से खत्म नहीं होंगे। अगर नष्ट हो रहे हैं तो क्या होंगे नए बनेंगे। अब ये जो नए कण हैं ये कैसे बनेंगे तो अनिल कहता है कि ये तो एक दिन पूरे नष्ट हो जाएंगे फिर हमारे शरीर में खून ही नहीं रहेगा। तो डॉक्टर दीदी क्या बताती है कि ये खत्म तो होते हैं लेकिन इनके साथ ही क्या बनने शुरू हो जाते हैं नए रक्त कण भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये इन कणों को बनाने का काम कौन करता है हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते। जो हड्डियों के बीच में मज्जा होती है उसमें क्या होता है रक्त कणों का निर्माण होती रहता है। और रक्त कणों का निर्माण कैसे होगा जब हम संतुलित भोजन हमारे आहार में जो है सभी चीजें जब हम शामिल करेंगे अपने भोजन में तभी क्या होगा वह संतुलित भोजन का हरी सब्जियां है दूध है अंडा है गोश्त है ये सारी चीजें जो है हम संतुलित भोजन जितना भी है वह अपने शरीर में लेंगे तो वही क्या होगा पौष्टिक आहार जो हम लेते हैं उसी के द्वारा क्या बनते हैं ये रक्त कण बनते हैं। तो जो आप इतना इस चैप्टर को समझेंगे इससे आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।